दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के पांच ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो पिछले 6-7 महीनों से भारतीय क्रिकेट टीम से दूर रहे हैं, यानी चोट की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम से दूर रहे हैं। BCCI ने इन पांच खिलाड़ियों पर बड़ा अपडेट निकल दिया है और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है इन पाँच खिलाड़ियों पर। तो इनके चोट का अपडेट क्या है, कब तक भारतीय टीम में इनकी वापसी होगी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BCCI की तो BCCI ने पांच खिलाड़ियों की लिस्ट अपडेट किया है जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद ही बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय टीम के पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ महीनों यानी सालों से लगभग क्रिकेट से दूर रहे, यानी चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रहे हैं। उन्होंने एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों से ही बाहर रहा है। जैसे बात करें सबसे बड़े स्टार की, बात करें ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की, ये दोनों लोग कई महीने से बाहर रह चुके हैं T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप से। साथ ही में बात करें KL राहुल, श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा की, तो ये पांचों खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप से बाहर थे अपनी चोट की वजह से। तो दोस्तों, BCCI ने इनके चोट पर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इन पांचों खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है। NCA में भेजा गया इनको प्रैक्टिस मैचेस के लिए। ऋषभ पंत जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और बैटिंग के साथ साथ कीपिंग भी कर रहे हैं, वहीं पे जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी बॉलिंग कर रहे हैं पूरे जोश के साथ NCA में, यानी नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जो बेंगलुरु में है। बात करें KL राहुल की, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल, जो IPL में फील्डिंग के दौरान उनको चोट लग गई, तो वो इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, यानी टेस्ट मैच T20 और वनडे में जो भारतीय टीम खेलती है उसमें बाहर चल रहे हैं अपने चोट में। तो दोस्तों, BCCI ने भी इनके चोट पर अपडेट दिया है। खैर, राहुल जल्दी प्रैक्टिस के लिए NCA जाएंगे और अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे जल्दी राहुल NCA में जाकर, यानी नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जो बेंगलुरु में स्थित है। प्रसिद्ध कृष्णा की, तो प्रसिद्ध कृष्णा भी बैक इंजरी की वजह से काफ़ी परेशान है। काफ़ी दिनों से, लगभग 1-2 साल हो गए, उन्होंने भारतीय टीम में वापसी नहीं की अपनी चोट की वजह के कारण। दोस्तों, NCA यानी नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन में प्रसिद्ध कृष्णा भी जाकर बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों लोग पसीना बहा रहे हैं, खूब एनर्जी के साथ NCA में बॉलिंग कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं पर BCCI ने इस बारे में जल्दी चेतावनी दी है कि प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह वनडे वर्ल्ड कप से पहले ठीक हो जाए और एशिया कप में भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं पर ऋषभ पंत की बात करें, तो ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे कार एक्सीडेंट के बाद, लेकिन उन्होंने 6-7 महीने में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकवर किया। BCCI ने भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आज वो NCA में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 नज़दीक आ रहा है और एशिया कप 2023 में होने वाला है, तो इसी को देखते हुए BCCI ने सभी खिलाड़ियों पर नज़र बनाई हुई है और ऋषभ पंत पर अभी, क्योंकि ऋषभ पंत भारतीय टीम के अहम हिस्सा माने जाते हैं, तो वापसी होगी। तो बात करें ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह की, इन पांच खिलाड़ियों की सीरीज में ख़त्म होने के बाद, यानी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज जो टेस्ट मैच की सीरीज चले, इस सीरीज ख़त्म होने के बाद भारत और आयरलैंड के बीच T20 और वनडे सीरीज मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस मैचों की सीरीज में हो सके तो जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।